हेलो डियर्स, आई एम उमा रमन पाठक। आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे क्रिप्स मिशन के बारे में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इस लेक्चर में आज हम डिटेल में समझेंगे क्रिप्स मिशन 1942 के बारे में। इसके पहले के लेक्चर में हम समझ चुके हैं अगस्त प्लान 1940 के बारे में। हम सबको पता है कि 5 सितंबर 1939 को जर्मन एयरक्राफ्ट्स ने किस तरह से पोलैंड पर अटैक करके सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत कर दी, और पोलैंड के साथ जो है इस वार में, इस घटना के 2 दिन बाद ही ब्रिटेन भी इन्वॉल्व हो गया, और फिर दुनिया धीरे धीरे दो पक्षों में बट गई। एक तरफ से वार में पार्टिसिपेट कर रहे थे ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया और USA, तो दूसरी तरफ से इस वार में पार्टिसिपेट कर रहे थे जर्मनी, जापान और इटली। और इस तरह से शुरुआत हो गई एक भयानक वार की। और फिर इन देशों की जहां जहां पे कॉलोनीज थी, इन्होंने कॉलोनीज का सपोर्ट चाहा, और इसी क्रम में भारत की कॉलोनी से सपोर्ट पाने के लिए ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने उस समय के इंडिया के वायसराय लॉर्ड लिनथिगो के माध्यम से एक प्लान भेजा इंडिया को, जिसको बोलते हैं अगस्त प्लान 1940। इस प्लान में इंडिया की मदद के बदले इंडिया को डोमिनियन स्टेटस और देने की बात कही गई थी, और भी कई प्रोविजन थे जिसको आपने अगस्त प्लान में पढ़ा है। लेकिन इंडिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो डोमिनियन स्टेटस पे राजी नहीं थे। उन्हें चाहिए थी फुल फ्लैग आज़ादी या पूर्ण स्वराज या पूरी इंडिपेंडेंस। और इस तरह से अगस्त प्लान फेल रहा और फिर वार आगे बढ़ गया। 1942 आते आते वर्ल्ड वार टू जैसे जैसे आगे बढ़ा, वैसे वैसे जापानीज आर्मी हावी होती रही और ब्रिटेन पीछे होता गया। साउथ ईस्ट एशिया में ब्रिटेन की पोजीशन बहुत ख़राब थी। इस वर्ल्ड वार में शुरुआत से ही ब्रिटेन की फौजों पर जापान की फौजों ने अपना नकेल कस लिया। इन द बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड वार सेकेंड, ब्रिटिश फोर्सेस सफर्स हैवी डिफीट्स एट द हैंड ऑफ द जापानीज आर्मी। जापान की आर्मी के जो है हाथों ब्रिटिश की फौज जो है वो उसने बहुत ज़्यादा हार सही थी और नुकसान भी सहा था, और इस तरह से ब्रिटेन की हालत बहुत ख़राब थी। फिर आया 8 दिसंबर 1941 का दिन। 8 दिसंबर 1941 को जापान की आर्मी ने मलाया पेनिनसुला पर अटैक किया और ब्रिटिश आर्मी को पीछे हटने पे मजबूर किया। फिर इसी दिन जो है जापानीज एयरक्राफ्ट ने सिंगापुर पर बम्बारमेंट किया, साथ ही साथ हांगकांग पर बम्बारमेंट किया और फिलीपींस पर भी बम्बारमेंट किया, और इन तीनों जगह को जो है अपने कब्जे में ले लिया। कुल मिला के कह सकते हैं कि एक ही दिन 8 दिसंबर 1941 के दिन मलाया पेनिनसुला से ब्रिटिश आर्मी पीछे हटी, साथ ही साथ जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश का ही उपनिवेश है या कॉलोनी है ये फिलीपींस, ये सिंगापुर और हांगकांग, ये तीनों भी इनके हाथ से खिसक गए। एंड जापानीज आर्मी वाज नो लॉन्गर फार फ्रॉम इंडिया। अब जो जापानीज आर्मी है वो भारत से ज़्यादा दूर नहीं थी। कह सकते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया में ब्रिटेन की हालत बहुत ही जो है चिंताजनक हो गई 8 दिसंबर 1941 को। 8 दिसंबर 1941 को मलाया पेनिनसुला से उनकी आर्मी पीछे हटी और उनकी कॉलोनी सिंगापुर, उन्हीं की कॉलोनी हांगकांग और उनकी कॉलोनी फिलीपींस से ब्रिटेन की जो ब्रिटेन जो है उसको हटना पड़ा, और वहाँ पे बमबारी कर दी किसने, जापान ने, और इन्वेडेड कर दिया इन ब्रिटिश की कॉलोनीज़ को। अब देखिए, अगर आप वर्ल्ड मैप में इन जगहों को देखिए, हांगकांग को देखिए, सिंगापुर को देखिए, फिलीपींस को देखिए, मलाया पेनिनसुला को देखिए, तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि इंडिया से बहुत दूर नहीं है। मतलब अब भारत जो इनकी कॉलोनी है या जो ब्रिटिश की कॉलोनी इंडिया है या ब्रिटिश इंडिया है, वो भी अब जापान आर्मी और जापान फाइटर के जो है जापानी एयरक्राफ्ट से ज़्यादा दूर नहीं था। मतलब किसी भी पल वो इंडिया को भी इन्वेड कर सकते थे। और ये बात जो है फ्रैंकलिन जो रूजवेल्ट है USA के राष्ट्रपति और जो ब्रिटेन के जो है PM है विंस्टन चर्चिल, उन दोनों के लिए भी चिंता बढ़ा रही थी, क्योंकि वो दोनों लोग एक ही पक्ष में वार लड़ रहे थे, इसलिए दोनों के लिए जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। लेकिन इसी बीच अमेरिका को भी एक झटका लगा, और जो जापानीज एयरक्राफ्ट थे उन्होंने अटलांटिक ओशियन को पार करके अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक किया। मीनवाइल जापानीज फाइटर्स बम्बार्ड एट पर्ल हार्बर ऑफ द USA। और पर्ल हार्बर पे जो अटैक हुआ, ये USA का जो है एक बंदरगाह है, वहाँ पे अटैक किया, मतलब USA को भी अपने चपेट में ले लिया जापान ने।
अब जो है इस बात ने यूएसए प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की परेशानी काफ़ी बढ़ा दी। मतलब वो काफ़ी ज़्यादा इससे क्या हुए, दबाव में आ गए और परेशान हो गए कि भाई अभी तक तो सिंगापुर, मलाया और हांगकांग, यहाँ पे ब्रिटेन की कॉलोनी ही छीन रहे थे वो लोग, वहाँ पे भी बमबार कर रहे थे, अब तो ये अमेरिका की ही एक जो है बंदरगाह पे आ गए और अमेरिका के लिए ये बहुत शर्मनाक घटना थी, वो बहुत परेशानी में आ गए। ठीक है, और फिर जो है जब देखा गया कि क्या कारण हो सकता है, किस वजह से ये जो हांगकांग की कॉलोनी थी ब्रिटेन की, या फिलीपींस की कॉलोनी थी ब्रिटेन की, सिंगापुर की कॉलोनी थी ब्रिटेन की, इसको किस लिए जो है इतने आसानी से इन लोगों ने अपने कैप्चर में ले लिया, जापान की आर्मी ने ले लिया, तो ये पता चला कि जो यहाँ के लोग थे वहाँ वो लोग जो है ब्रिटेन से बहुत नफरत करते थे और एंटी जो है वो एंटी कॉलोनियल सेंटिमेंट था, और उन लोगों ने सहयोग नहीं किया ब्रिटेन को, तो इन जापान के लिए बहुत आसानी हुई इन इलाकों को कब्जाने में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ड्यू टू व्हिच जापान वॉज एबल टू कंकर द ब्रिटिश कॉलोनीज वॉज प्री एग्जिस्टिंग एंटी कॉलोनियल सेंटिमेंट्स इन द कॉलोनी। ये जो कॉलोनी थी ब्रिटेन की, सिंगापुर की या फिर हांगकांग की या फिलीपींस की, यहां देखा गया कि एंटी कॉलोनियल सेंटीमेंट थे और इसी वजह से जापान के लिए बहुत आसानी हो गई इनको कैप्चर करने में। और इंडिया में भी कुछ हालत ऐसे ही थे, सिमिलर कंडीशंस वाज इन इंडिया टू, भारत में भी ऐसे ही हालत थे। एक तरफ महात्मा गांधी के नेतृत्व में दिल्ली चलो या क्विट इंडिया मूवमेंट जो है, व्यक्तिगत सत्याग्रह, ये सब शुरुआत हो चुकी थी। द क्विट इंडिया मूवमेंट अंडर द गांधी जी वाज ऑन द राइज, मतलब अपने उफान पे था महात्मा गांधी का भारत छोड़ो आंदोलन, एंड नेताजी आज़ाद हिंद फौज हैड बिकम एग्रेसिव इन द ईस्टर्न इंडिया। और जो पूर्वी भारत है, अंडमान निकोबार का इलाका, यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज जो है वो एकदम पूरी तरह से कहर बरपा रही थी। तो ब्रिटेन के लिए भी इंडिया में भी बहुत मुश्किल थी, क्योंकि इंडिया में भी एंटी ब्रिटेन सेंटीमेंट्स थे और ऊपर से ब्रिटेन की के इस कॉलोनी पर जापान की नज़रें भी अब गड़ चुकी थी कि कब कौन सा दिन आए जब जापान जो है आगे बढ़ के वो आ जाए और इंडिया को क्या कर ले, वहाँ पे भी उसको भी इन्वेट कर ले, अपने अंडर में ले ले, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा थी। और बाद के दिनों में हमने देखा कि 1943 में आज़ाद हिंद फौज के मदद से, या आज़ाद हिंद फौज को मदद करके जापानीज ट्रूप्स ने या जापानीज आर्मी ने अंडमान निकोबार को फ्री भी करा दिया था। तो ये जो चिंता थी रूजवेल्ट की और इनकी चर्चिल की, ये निराधार नहीं थी, ये सचमुच में ऐसा होने वाला था, यह संभावना थी। एंड सो ब्रिटिश पीएम विंस्टन चर्चिल डिड नॉट वांट टू लूज इंडिया, और विंस्टन चर्चिल नहीं चाहते थे कि भारत भी उनके हाथ से निकल जाए, वो भारत को बचाए रखना चाहते हैं। भाई भारत बड़ा सा उपमहाद्वीप है तो वो बचाना चाहेंगे, और क्योंकि सिंगापुर के रिस्पेक्ट में इंडिया काफ़ी बड़ा है। सो दे फेल्ट द नेसेसिटी ऑफ रिवाइजिंग एंड सॉफ्टनिंग देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स द डिमांड ऑफ इंडियन, और इसीलिए जो भारत को बचाने के क्रम में वो भारत के लोगों की डिमांड को जो है फुलफिल करके अब एक सॉफ्ट कॉर्नर बनाना चाहते थे इंडियंस के मन में अपने प्रति, और वो खुद जो है उन्होंने अपने एटीट्यूड सॉफ्ट किया जो है इंडिया के प्रति। साथ ही साथ जो ये अमेरिकी राष्ट्रपति हैं फ्रैंकलिन रूजवेल्ट उस समय के, उन्होंने भी विंस्टन चर्चिल को फोर्स किया कि भैया अब इतना सब कुछ तो गवा चुके हो, इंडिया भी मत गवाओ, इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज और इंडिया का पूरा सपोर्ट लो, जिससे जापान वहां पे हावी ना हो पाए, नहीं तो जापान उसको भी तुम्हारे साथ से छीन लेगा और फिर तुम किसी हाथ किसी काम के नहीं बचोगे। तो फ्रैंकलिन जो है रूजवेल्ट ने भी दबाव रखा था विंस्टन चर्चिल पे कि भारतीयों का सपोर्ट लो, और इसी क्रम में उन्होंने क्या किया जो है प्रिविसी सील, या वहाँ के एक ऑफिसर है बड़े, ये प्रिविसी सील सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक कमीशन भारत भेजा कि देखो जाके भारतीयों को मनाओ, भारत की पॉलिटिकल पार्टीज़ को मनाओ, और किसी भी तरह से जो है वो क्या करके भारतीयों का समर्थन हमें चाहिए। इन ऑर्डर टू विन द सिंपथीज ऑफ द इंडियन मासेस एंड पॉलिटिकल पार्टीज ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार, ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंड ए प्रपोजल टू इंडियन लीडर्स थ्रू लॉर्ड प्रिविसील सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, लॉर्ड प्रिविसील सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक आयोग आया भारत, जिसको बोलते हैं क्रिप्स मिशन। ये मार्च 1942 में आया, मार्च 1942 में सर स्टेफोर्ड क्रिप्स एक प्रपोजल लेके आए, कहाँ से, विंस्टन चर्चिल का भारत में, जिसको क्रिप्स मिशन कहते हैं। अब क्रिप्स मिशन ने क्या क्या प्रपोजल दिया इंडिया को, इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा कि
हम डोमिनियन स्टेटस देंगे भारत को विद कंप्लीट एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑटोनोमी। हमने अगस्त प्लान के टाइम पे बताया था कि कांग्रेस ने कहा था कि सेंटर में पहले एक गवर्नमेंट बनवा दीजिए, तब मैं सोचूंगा जो है कि जो है आपको सपोर्ट करना है कि नहीं। इन्होंने यहाँ पे कहा ठीक है डोमिनियन स्टेटस देंगे और आपको जो है क्या कर देंगे, विधानमंडल में भी इलेक्शन लड़ने की छूट देंगे, साथ ही साथ इंटरनल और एक्सटर्नल ऑटोनोमी देंगे, मतलब केंद्र में भी सरकार बनाने की हैसियत दे देंगे। ठीक है, तो इन्होंने डोमिनियन स्टेटस जो है ऑफर किया विद एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑटोनोमी के साथ, एक तो पहला इनका प्रस्ताव ये था। दूसरा इन्होंने कहा कि आप लोग भारत के लिए भारतीयों का एक संविधान सभा बनाई जाएगी, जिससे कि भारत का संविधान बनाया जा सके, जिसमें भारतीय लोग ही होंगे, इसमें ब्रिटिशर्स नहीं होंगे भारत के लिए कानून बनाने के लिए। तो मतलब ये एग्री कर गए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए। इसके लिए इन्होंने कहा कि इसमें दो जगह से लोग शामिल होंगे, एक तो प्रोविंशियल जो है जो प्रोविंसेस हैं भारत के, जो ब्रिटिश प्रोविंसेस हैं, वहाँ से लोग शामिल होंगे और वो लोग होंगे इलेक्टेड लोग। जबकि इन्होंने कहा जो भारत के रियासतें हैं यहाँ से जो लोग शामिल होंगे वो रियासतों से नॉमिनेटेड होंगे, नॉमिनेटेड बाय द प्रिंसेस, ठीक है, राजकुमारों और राजाओं के द्वारा नॉमिनेटेड होंगे। तो दो जगह से लोग इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या इस संविधान सभा में शामिल होंगे, एक तो प्रोविंसेस से जो मेंबर शामिल होंगे उनका होगा इलेक्शन, दूसरे रियासतों से जो मेंबर शामिल होंगे उनका राजा या राजकुमार जो है उनको नॉमिनेट करेंगे, और इस तरह से बनेगी भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कि इंडियन की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, भारत की संविधान सभा होगी, और वो लोग अपना संविधान फ्रेम कर सकेंगे और किस कंट्री की, जो डोमिनियन कंट्री बनेगी भारत, ठीक है। और तीसरा उन्होंने कहा कि हम देंगे राइट टू सीसीड, ठीक है, ये राइट टू सक्सीड क्या है, उन्होंने कहा कि जो राज्य जो प्रोविंसेस मतलब जो जो राज्य जो है वो भारत में ज्वाइन नहीं होना चाहते, इंडियन यूनियन में ज्वाइन नहीं होना चाहते हैं, वो क्या कर लें, वो अलग से अपना संविधान बना लें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो राज्य या जो प्रिंसली स्टेट्स भारत में शामिल नहीं होना चाहते हैं वो अपना अलग से संविधान बना लें और अपना अलग रहें, ब्रिटेन उनको अपने जो है कॉमनवेल्थ एसोसिएशन में या कॉमनवेल्थ में शामिल कर लेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मतलब कि जो राज्य भारत के संविधान को नहीं मानना चाहेंगे या भारत में शामिल नहीं होना चाहते हैं वो अपना अलग से संविधान बना लें, और ब्रिटेन उनको सभी को क्या कर लेगा, अपने कॉमनवेल्थ में ले लेगा, और क्या है वो अपना सेपरेट यूनियन से सेपरेट रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या कह सकते हैं एग्जीक्यूट या एक्सक्लूड रहे वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, अपनी अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लें। कौन से लोग, भारत के वो राज्य या वो प्रिंसली स्टेट्स एग्जिस्टिंग जो है अभी वो जो कि भारत में या भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ नहीं जाना चाहते हैं, ऐसा इन्होंने कहा। लेकिन इसमें एक बड़ी जो पेज था वो ये था कि अभी आप हमें समर्थन दे दो, जब वार खत्म हो जाएगा तब हम ये जो शर्तें हैं इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। मतलब ये जो बातें कही जा रही थी डोमिनियन स्टेटस देने की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की, ठीक है, और जो है ये जो प्रोविजन है ये सारे कब लागू किए जाएंगे, जब वार खत्म हो जाएगा और ब्रिटेन जो है फिर उसके बाद इसको लागू कर देगा। अब आइए देखते हैं कि इंडिया में इस पर रिएक्शन क्या हुआ, ठीक है, इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज का रिएक्शन क्या हुआ। सबसे पहले समझते हैं कांग्रेस का रिएक्शन। कांग्रेस ने इसको सीधे रिजेक्ट कर दिया, और कारण क्या क्या दिया, सबसे पहले सुनिए। इन्होंने कहा ऑब्जेक्शन टू कंप्लीट प्रोमिसेस आफ्टर वार। कांग्रेस ने कहा कि आज अगर आप आए हो तो अभी जो प्रॉमिस कर रहे हो वो पूरा करो, ये बाद में प्रॉमिस करने वाली बात, सबसे पहला मेरा ऑब्जेक्शन ये है कि बाद में क्यों प्रॉमिस जो है पूरा करोगे, अभी क्यों नहीं, व्हाई नॉट नाउ, अभी क्यों नहीं पूरा करोगे। फिर गांधी जी ने इसको कहा इट्स ए पोस्ट डेटेड चेक। महात्मा गांधी ने कह दिया ये तो भैया पोस्ट डेटेड चेक की तरह है कि चेक भर के दे दिया, और कहा कि आगे की डेट में इसको भुना लेना, 2 साल बाद इसको भुना लेना, 4 साल बाद इसको भुना लेना। 4 साल बाद का मतलब भविष्य का चेक दे रहे हो आप, जो देना है अभी दो। तो इस पे भी ऑब्जेक्शन था। दूसरा ऑब्जेक्शन कांग्रेस का था डोमिनियन स्टेटस पे। कांग्रेस इस पे बिल्कुल भी कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि 19 दिसंबर 1929 के लाहौर सेशन में ही कांग्रेस ने कह दिया था कि हमें चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और ये जो है मिस्टर क्रिप्स जो है ये डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे थे, तो कांग्रेस इस पे भी राजी नहीं थी। उसने कहा हमें डोमिनियन नहीं चाहिए, बात करनी है तो करो किस पे, फुल फ्लैट फ्रीडम पर, या जो है
फुल इंडिपेंडेंस पर या कंप्लीट इंडिपेंडेंस पे, पूर्ण स्वराज पे बात होगी। इस पे इसी पे तो जो है अगस्त प्लान पे भी ऑब्जेक्शन था, इसमें भी इसी पे ऑब्जेक्शन हो गया। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्शन था इनका कि डोमिनियन पे बात नहीं होगी, बात होगी कंप्लीट इंडिपेंडेंस पे। तीसरा ऑब्जेक्शन था नॉमिनेशन राइट ऑफ द प्रिंसेस। इन्होंने कहा कि जो रियासतों से लोग आएंगे उनको राजकुमार या राजा ही नॉमिनेट क्यों करेंगे, वहां पे क्यों इलेक्टेड लोग नहीं आएंगे। ठीक है, राजाओं को इतना स्पेशल अधिकार क्यों दिया जाएगा, इस पे भी जो है उनको क्या था उनको आपत्ति थी। अगला जो आपत्ति थी वो था राइट टू सक्सीड वाला। ठीक है, उन्होंने कहा था कि क्योंकि उन्होंने कहा कि जो राज्य या जो प्रिंसली स्टेट्स भारत के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल नहीं होना चाहते, अलग रह के अपना संविधान बनाना चाहते हैं, अलग राज्य बनना चाहते हैं, वो अपना अलग संविधान बना ले और भारत से अलग राज्य बने, उनको ब्रिटेन अपने राष्ट्रमंडल में शामिल कर लेगा। तो इस तरह से कांग्रेस ने कहा कि ये तो भाई जो है ये तो सेपरेशन का या पार्टीशन का जो है ब्लूप्रिंट है, इस तरह तो बहुत सारे राज्य होंगे जो भारत में शामिल नहीं होना चाहते, तो तुम भारत को तोड़ने आए हो इसका मतलब। तो इन्होंने कह दिया कि ये तो जो है ब्लूप्रिंट है पार्टीशन का। इस पर भी कांग्रेस का ऑब्जेक्शन था। अब लीग का क्या रिएक्शन था इसको भी समझ लेते हैं। लीग ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया। यहाँ पे देखो, जो अगस्त ऑफर था उसको लीग ने एक्सेप्ट किया था, कांग्रेस ने रिजेक्ट किया था। यहाँ पर कांग्रेस ने भी रिजेक्ट कर दिया क्रिप्स मिशन को और लीग ने भी रिजेक्ट कर दिया। लीग का ऑब्जेक्शन क्या था, वो चाहते थे, लीग के मतलब मुस्लिम लीग के लोग चाहते थे एक अलग देश धर्म के आधार पर। ठीक है, एक अलग पाकिस्तान चाहते थे धर्म के आधार पर, जिसकी तो बात ही नहीं की गई थी क्रिप्स मिशन में। क्रिप्स मिशन में किसी अलग नए देश को बनाने की बात नहीं की गई थी। नो ब्लूप्रिंट फॉर न्यू कंट्री फ्रॉम इंडिया, इंडिया से कोई अलग देश बनाने की बात नहीं की गई थी। अब आप कहेंगे कि अभी हम पीछे कह रहे थे कि ये तो ब्लूप्रिंट है पार्टीशन का, और दूसरी तरफ आप हम कह रहे हैं कि यहाँ पे पार्टीशन की बात नहीं है। ऐसा नहीं है, पार्टीशन उनको मिल रहा था, उन लोगों को अलग रहने की आज़ादी मिल रही थी जो इंडिया में पहले से स्टेट थे, चाहे वो कोई प्रिंसली स्टेट हो चाहे वो कोई राज्य हो, जैसे कि मध्य प्रांत कह लो या जो है उत्तर प्रदेश जो कि उस समय यूनाइटेड प्रोविंस कहलाता था। इन सबको तो ये आज़ादी थी कि वो चाहे तो इंडिया में मिले या चाहे तो अलग अपनी संविधान बना के अलग रहें, या फिर कोई रियासत जो उस समय इंडिया में थी, जैसे कि कह लो आप भोपाल की रियासत हो गई या जयपुर की रियासत हो गई, वो चाहे तो इंडिया में मिले या अपना संविधान बना के अलग रहे, लेकिन कोई नया जो है वो राज्य बनाने की बात नहीं की गई थी। इंडिया को तोड़ के कोई नया जो है स्टेट फॉर्मेशन की बात नहीं थी ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन। और इस वजह से क्योंकि लीग की डिमांड थी एक नए कंट्री को बनाने की, तो इसलिए जो है उसका कोई चर्चा नहीं थी क्रिप्स मिशन में, इसीलिए लीग ने भी इसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो ये क्रिप्स मिशन था ये फेल कर गया। ठीक है, ये फेल हो गया और जो श्रीमान क्रिप्स थे वह उन्होंने अपना बोरी बिस्तर उठाया, झोला उठाया और 12 अगस्त को टपट टपट करते हुए चले गए कहाँ, ब्रिटेन वापस चले गए, मुंह बना के अपना क्या क्रिप्स मिशन भी फेल रहा। मतलब कि इंडियंस का सपोर्ट इस मिशन के द्वारा भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल हासिल नहीं कर पाए। इसी के साथ आज का जो ये लेक्चर है ये खत्म होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।